बाल मिठाई आपको यहाँ किसी भी बाल मिठाई, शॉप पर वाह आसानी यार से मिल देखने बहुत जाएगी फ्रेंड। खूबसूरत बट थैंक यू सो मच फॉर दिस उत्तराखंड। उत्तरांचल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट आई हैव एवर सीन। उत्तराखंड सिंपली हेवन, बहुत आराम भाई, बहुत खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी उत्तराखंड के अंदर, और इतना हिमालय के पहाड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरी, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली और मेरे साथ है मोहम्मद अब्बास। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अम्मर हाजिर हुए और ये उत्तराखंड के बारे में है। उत्तराखंड और जैसे कि हम लोग पाकिस्तानी हैं तो कोशिश करूंगा कि इंडियन चीजों पर रिएक्शन दूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पार्क इंडो रिएक्शंस टीवी, मेरा नाम है हसनैन अमीन। तो आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड टूरिज्म ऐड है। हम चलते ही पहले सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं क्योंकि हमें इतना पता नहीं है कि क्या, क्योंकि हमसे रुका नहीं जा रहा, इतनी खूबसूरत सिटी हमें देखे हैं, स्टेट देखे हैं, तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड भी देख रहे हैं। ओके, जो उत्तराखंड है इसे उत्तरांचल, प्रीवियसली इसे जो है उत्तरांचल बोला जाता था और अब इसे उत्तराखंड बोला जाता है, और ये 27th स्टेट है इंडिया की, इट्स आल्सो अ वेरी लार्ज स्टेट। तो चलते हैं वीडियो देखते हैं और बाकी बातें करेंगे वीडियो के बाद, तो चलिए शुरू करते हैं। सो इस स्टेट के जो है आज मैं विजिट, आई विल नॉट टुडे, आई विल एक्सप्लोर द उत्तराखंड टॉप 50 टूरिस्ट प्लेसेस। नैनीताल ब्यूटी देखते हैं जी आज। Of gods, the land of pahad, gods, acha, khudaon ka, a paradise on earth, zameen pe jannat, zameen pe jannat. एक प्राचीन मान्यता है, वैसे तो दुनिया भर में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात ही कुछ और है। वैसे आजकल गर्मियां कितनी जल्दी आ जाती है, वाह यार बहुत खूबसूरत है नैनीताल। हम सब हिल स्टेशन पर घूमने की प्लानिंग करने लगते हैं। यूनेस्को ने नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह उद्यान 87.50 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जन्नत बोला गया तो बस वहाँ हमारा जन्नत। A temple of fates. तो प्यारा है ना? ओए ओए। जबरदस्त हरिद्वार है। जैसे ही इन वादियों में पहुंचेंगे आप अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाएंगे। जाहिर है यार इतनी खूबसूरती है, कैसे करें इस खूबसूरती का जिक्र। यस दिस इज द सोल ऑफ इंडिया। क्या खूबसूरत है यार, इतना इट्स कॉल्ड उत्तराखंड। आरोही फ्रैंक एस स्मिथ और उनके साथी आर एल होल्सवर्थ ने लगाया था। अच्छा। जो संयोग से 1931 में अपने कामेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे। से अच्छे होटल्स मिल जाएंगे जहां से नैनीताल की झील का बहुत सुंदर व्यू आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप अपनी बिल्डिंग है ना बड़ी बनी होटल होगा कोई नहीं। इसकी बेइंतहा खूबसूरती से प्रभावित होकर स्मिथ सन 1937 में इस घाटी में वापस आ गए। मसूरी दिल्ली से 90 किलोमीटर और देहरादून से 2 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से मां नैना देवी का सबसे ज्यादा पास है। नैनी रिट्रीट हेरिटेज होटल खुद हिमालय के पहाड़। अच्छा, इसके उस पार हमारा पाकिस्तान होगा ये जगह। हाँ, ये पहाड़ उस तरफ दिख रहा है। हाँ। और 1938 में वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से
एक किताब प्रकाशित करवाई। कहाँ आए हैं हम आज, क्या खबर। कोई कहता है देवों का शहर, कोई कहता है तालों का शहर, पर हम तो इसकी खूबसूरती में खोए हैं। हमें क्या परवाह। टेम्पल्स बहुत ज्यादा हैं, टेम्पल्स मरीन टेम्पल्स। प्रेमियों के लिए एक विश्व प्रसिद्ध स्थल बन गया है इस फूलों की घाटी के संदर्भ में। क्योंकि हम देव भूमि में आए हैं तो हम अपने घूमने की शुरुआत भी नंदा देवी से करेंगे। बहुत हाइट On the soil of this wonderful land called Uttarakhand. काल में हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में इसी घाटी में पधारे थे। कहा जाता है कि यहाँ फूलों में अद्भुत औषधीय गुण होते हैं और यहाँ मिलने वाले सभी फूलों का दवाई में इस्तेमाल होता है। नंदा देवी का मंदिर 51 शक्तियों में से एक है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार It will sometimes compel you to pose with eyes wide open. हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ और फूलों की 500 से अधिक प्रजातियों से सजा हुआ ये क्षेत्र बागवानी लिस्ट लाल डिब्बा म्यूनिसिपल गार्डन हैप्पी वैली कैमल्स बैक रोड मसूरी लेक नाम बड़ा अच्छा है हैप्पी वैली। नैनी झील। नैनी झील। नैनी का शेप बिल्कुल एक आंख की तरह है और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यहाँ के लोग इस झील की परिक्रमा भी करते हैं। वैसे सिर्फ आस्था के नजरिए से ही नहीं, एज ए अट्रैक्शन पॉइंट भी ये झील बहुत खूबसूरत झील है यार। प्लेस है, आप यहाँ बोटिंग करते हुए लेक व्यू का मजा ले सकते हैं। Here you find towns bursting with the beauty of the Ganges. अरे सफर कश्मीर का हो गया, अलग कश्मीर का ना जफराबाद का मुझे इस तरह का मिलेगा फर्स्ट टॉप से। बहुत दो दरिया थे वहाँ, दरिया काबुल और दरिया करना, अलग पहाड़ों में मिश्रित आबादी होती है। यहाँ सैकड़ों बहुमूल्य जड़ी बूटियों और वनस्पति पाए जाते हैं जो कि अत्यंत दुर्लभ है। पहाड़ों के बीच इस झील का नजारा रात में 4 गुना बढ़ जाता है जब पूरा शहर बिल्कुल आंख की तरह है यार रहा होता है और शहर के बीचों बीच झील। The sky kissing mountains gives one the feeling that someone has entrusted them with the duty of being the watchman. मध्य सितंबर से नवंबर के पहले सप्ताह तक यहाँ पर पीक समय होता है। उसके बाद चोटी को बयां कर सकते हैं, बस इतना कह सकते हैं तुझसा हसीन है। तली ताल यानी निचले वाला ताल। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि हर हफ्ते यहाँ फूलों का खिलने का पैटर्न बदल जाता है। जो फूल आपको इस हफ्ते दिखेंगे अगले हफ्ते नैनीताल उत्तराखंड। स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुगलबर्ग तक सब यहां आके हनुमान जी के दर्शन कर चुके हैं। वहीं मलिताल में मैदानी एरिया में सैलानी यहां के लोक नृत्य गाने आदि का मजा लेते हुए मिलते हैं। The International Yoga Festival is organized here every year and it has become world renowned. उत्तराखंड
दोस्तों बहुत खूबसूरत जगह है। और यार इसके अलावा अगर आप पूरे नैनीताल शहर का व्यू देखना चाहते हैं तो आप नैनी पीक और लड़िया काठा से नैनीताल और हिमालय का व्यू देख सकते हैं। और अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो रोप वे और पैराग्लाइडिंग करते हुए आप नैनीताल की खूबसूरती को निहार सकते हैं। I am surprised, पर इसी तरह की एक वैली हमारे पाकिस्तान में भी है जिसका नाम है हुंजा वैली। दलितल एंड सेकंड इज मणितल। नैनीताल घूमने आए हैं तो मेरी राय है आप सबसे पहले यहाँ की फेमस डिशेस को टेस्ट कीजिए। ये क्या चीज है यार, जायकेदार स्वाद वाली चीज आपने पहले कभी नहीं चखी होगी। इसके अलावा ककड़ी का रायता ककड़ी में बहुत फेमस ककड़ी है। क्या चीज होती है, नैनीताल अपने टेस्टी मोमोज के लिए भी काफी जाना जाता है। एक मैं इस चीज को जो है जल्दी से अगर वन लाइनर में डिफाइन करूँ, उत्तराखंड एंड उत्तरांचल इज द लैंड ऑफ टेम्पल्स, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, वैलीज, विलेज साइड, नेचर, safari, wildlife, and it's beautiful. Uttarakhand is also a wonderful destination for adventure sports. Barf bari hai to ye sab ho aur ye mujhe sabse zyada acha na lagta hai ki is tarah ki jagah ka व्यू देखना यार मुझे तो बनता है। बाल मिठाई आपको यहाँ किसी बाल मिठाई वाओ यार देखने बहुत बट थैंक यू सो मच फॉर दिस उत्तराखंड उत्तरांचल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट आई हैव एवर सीन। पैराग्लाइडिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है यार नैनीताल, ये उत्तराखंड में वाकया है। बहुत अच्छा लगा यार वीडियो देख के, ये रिफ्रेशिंग और बहुत वर्ल्ड क्लास किस्म का यू नो आपका स्टे जिसमें पैराग्लाइडिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है यार नैनीताल, ये उत्तराखंड में वाकया है। बहुत अच्छा लगा यार वीडियो देख के, ये रिफ्रेशिंग और बहुत वर्ल्ड क्लास किस्म का यू नो आपका स्टे जिसमें टूरिज्म का जो है वो रेट डेफिनेटली यू नो बहुत हाई होगा। चीता तो हमारे यहाँ बैठी थे, हाथी इज कॉलिंग अस, कम हियर जी बिल्कुल है मैं योरसेल्फ विद अ वंडरफुल एक्सपीरियंस उत्तराखंड सिंपली हेवन।